आज ना मैं आपको एक लड़की की कहानी बताती हूँ फटाफट से। तो ये ना एकदम अलग लड़की थी, अपनी एक अलग सोच रखती थी। उसका एक कॉलेज का फ्रेंड सर्कल भी था जिसके साथ वो मन की सारी बातें बांटा करती। एक वेल पेइंग जॉब थी और अब तो एक नई सी लविंग फैमिली। इस फैमिली में सब उसको घर की रौनक बुलाते थे। वो जब घर में होती तो सब बड़े खुश रहते। जरा सी देर के लिए भी बाहर चली जाती तो सब उसको ढूंढने लग जाते। घर में एक हलचल सी मच जाती थी। वो बड़ी इतराती कि इस घर में मैं ना हो तो क्या होगा। घर एकदम स्टैंड स्टिल पे आ जाता। उसके बिना घर का कोई काम नहीं होता था। उसके फ्रेंड्स का फोन शुरू शुरू में अक्सर आ जाया करता था, लेकिन फिर फोन के बीच में ही कभी दूध उबल गया, दवाई देनी है, टिफिन पैक करना है, कोई बुला रहा है, ये कहकर फोन आधे में ही काट कर चली जाती। धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स ने भी फोन करना उसको कम कर दिया और फिर बाद में बंद ही कर दिया, क्योंकि उसको फोन करने में ऐसा लगता है जैसे कि उसकी बिजी परफेक्ट लाइफ को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। वो रहती ही इतनी बिजी थी। उसको पूरी आजादी थी, पूरी छूट थी अपने हिसाब से सारा काम करने की। बाद में जाकर उसने नौकरी भी इसलिए ही छोड़ी क्योंकि उसको खुद लगा था कि घर को उसकी ज्यादा जरूरत है और दोस्तों से बात नहीं करना तो उसकी पर्सनल चॉइस थी, और बाहर जाना तो उसको वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं था, और पीछे से जो घर में हलचल मच जाती वो भी तो उसको ही आके संभालना होता। बड़ी परफेक्ट सी लाइफ जी रही थी वो, बहुत खुश थी, है ना। पता है सबसे खतरनाक वाला ट्रैप क्या होता है? वो ट्रैप जिसमें आपको पता ही नहीं चलता कि आप ट्रैप्ड हो। आपके हिसाब से और बाहर वाले के हिसाब से और सबके हिसाब से सब परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन एक धीरे धीरे सिचुएशंस के कारण एक दीवार खड़ी की जा रही होती है जिसको आप फलांग नहीं पाते, क्योंकि वो दीवार जिन सिचुएशंस के कारण खड़ी हुई है उन सिचुएशंस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आपको ये बिलीव करवाया जाता है कि आपका ये जो रोल है ना वो आप इस तरीके से निभाओगे तो सब खुश रहेंगे। जो दीवार आपने नहीं खड़ी की अपने चारों तरफ वो आप फलांग नहीं सकते। मुझे कॉम्प्रोमाइज़ से कोई एतराज नहीं है। रिलेशनशिप में, प्यार में आप खुशी खुशी कॉम्प्रोमाइज करते हो, एडजस्टमेंट करते हो, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है उन दीवारों से, उन कॉम्प्रोमाइज़ से जो आपसे करवाए जाते हैं, जो आपको बिलीव करवाया जाता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो इसलिए हम आपसे प्यार कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप अपनी लाइफ डिस्क्राइब करो तो ये ध्यान रखना कि वो जो दीवार आप खड़ी कर रहे हो आपने खड़ी की है कि किसी और ने, क्योंकि आपकी खड़ी की गई दीवार आप कभी भी फलांग सकते हो, पूरी तरह आजाद हो। आपकी मर्जी से, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उस दीवार को बड़ी छोटी सब कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे की खड़ी की गई दीवार बहुत मुश्किल से फलांगी जाती है। तो इसलिए कहना बस इतना है कि कहने को तो आजाद हो तो, पर क्या बस कहने भर के लिए ही हो। अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस पर्टिनेंट इशू बिकॉज आई नो दैट कि कई लोग इस आइडिया के लेकर थोड़ा वो हो जाते हैं कि अरे यार कितना बात करोगे इसके ऊपर। हम तब तक बात करेंगे जब तक बात आप तक पहुंचेगी नहीं। तो आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट फ्रीडम फॉर ऑल एंड मोर कॉम्प्रेहेंसिव ब्रॉडर टॉपिक, बट व्हेन आई सैट डाउन टू राइट मैं एक्चुअली ये अपने आप निकल कर आई, और इस स्क्रिप्ट में हर लाइन में एक बात कहने की कोशिश की गई है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द एंड लाइन। So if you catch that thing, the underlying statement that is being made in the script, then kudos, because that is what the purpose of this script was. And share with everyone on this Independence Day, comment your thoughts below and subscribe to my channel. I keep coming up with poems, stories, bakwas, all kinds of things from time to time. Thanks for watching once again. Happy Independence Day to you all. Bye bye.